हाय गाइस वेलकम टू मेनूअन डेज मैराथन वीडियो फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सी यूटी टू थाउजेंड ट्वेंटी सो जस्ट टेन डेज आर लेफ्ट फॉर एग्जाम एंड इज टाइम टू चार्ज योर बैटरी बिकॉज़ मोटिवेशन लेवल इज गोइंग डाउन सो वी नीड टू चार्ज आर बैटरी सो दैट वी कैन बूस्ट अप आर प्रिपरेशन फॉर द क्राइस्ट विच इज अबाउट टू है जो एग्जाम था अभी तक वो एग्जाम हुआ है जस्ट इंटरव्यू इज डन दिस इज वॉट द इनफॉर्मेशन आई गॉड फ्रॉम द स्टूडेंट सो अबाउट द एग्जाम दे विल कंफर्म यू वेरी सून अपार्ट फ्राम दैट मिनिस्टेंट है ट्वेंटी सिक्स जो अप्रैल को एग्जाम है वो होगा कि नहीं होगा फॉर शोर एग्जाम आपका होगा बिकॉज दे हैव सेट दिस दैट एग्जाम विल बी फ्रॉम योर रेसिडेंस तो ये मान के चलो कि आपका ट्वेंटी सिक्स को एग्जाम होने वाला है डोंट टेक दिस डेट लाइटली गाइज सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट थिंक ट्वेंटी सिक्स को एग्जाम होगा कि नहीं होगा अदरवाइज दिस विल है इन योर प्रिप्रेशन गाइज सो एग्जाम हो या न हो ट्वेंटी सिक्स का डेट है अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है विद्ड सेट दट वी विल बी क्रैकिंग द एग्जाम विद गुड स्कोर you need to have a pre planning guys for your preparation so what i want you people to strategize your preparation in terms of the section in terms of the number of hours for each section then start implementing it so if you are doing one and two so obviously you will get your final goal which is nothing but the christ one guys so those who are starting their preparation a little late i would advise to all the aspirant start with the mock test eight mock likho you will get to know what kind of a questions coming up in the exam what is the difficulty level of the questions and Comfort area with regards to the section and the question also. All right, now be ready with your pen and paper, guys. जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको, आपको exactly वही करना है next 10 days, if you want to crack Christ CUET exam with the good score. So सबसे पहले आपको Christ mini course join कर लेना है, which is available on menuadev.com/BBEntrance. इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा. But आपको इस course को join कर लेना है, इस course के base पे ही आपने पूरी preparation dependent है next 10 days की.

एलोंग विथ दिस स्टैटिक जीके को लेकर के आपको सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए तो स्टैटिक जीके को लेकर थाउजेंड प्लस क्वेश्चन का बूस्टर प्रोग्राम है एंड करंट अफेयर्स को लेकर भी थाउजेंड प्लस इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स आपको करंट अफेयर्स को लेकर इतना आपको करना है इज फॉर द जी के सेक्शन तो वीडियो जो है आपको विद इन ट्वेंटी आवर्स के अंदर खत्म हो जाएंगे देख करके इंग्लिश इफ़ आई टॉक अबाउट सिक्स आवर अप्रॉक्सिमेट आपका पूरा इंग्लिश का सिलाबस आप खत्म कर लोगे सारे वीडियो देख करके इंग्लिश के अंदर आपको क्या क्या करना है लेट मी ओपन द मेनूअर का बुक एंड आई टेल यू सो इंग्लिश के अंदर आपको सेक्शन वाइज है सेक्शन वन इज द ग्रामर वो छोड़ देना है आपको बिकॉज इंग्लिश के वीडियो वाले लेक्चर में सारे रूल्स आपको बताए हुए यू हैव टू जस्ट जॉड डाउन ऑल दोज रूल मेक योर लूट शीट एंड जॉड डाउन ऑल दोज रूल्स गो थ्रू इट ऑन डेली बेसिस सेक्शन टू जो कि आपका टू पॉइंट वन है टू पॉइंट वन से लेकर टू पॉइंट वन जीरो आपको खत्म करना है पूरा जस्ट गो थ्रू वंस बिकॉज इसमें जितने भी वो कैप है वो सारे एग्जाम में आ चुके हैं सो काइंडली गो थ्रू ऑल दोज वो कैप्स रीडिंग कॉम्प्रेंशन विच इज सेक्शन थ्री आपको सारे पैसेजेस सॉल्व कर लेने हैं आफ्टर वॉचिंग दी ऑल द वीडियोज फ्रॉम द क्राइस्ट मिनी कोर्स देन वर्बल एबिलिटी है सेक्शन फोर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्लोज टेस्ट स्पॉटिंग एरर पैराग्राफ जंबल ये सारी चीज़ें आपको खत्म करनी है इंग्लिश के सेक्शन को लेकर के सो दोज हु डोंट हैव इंग्लिश बुक यू कैन टेक द एक्सेस ऑफ ई बुक्स यू कैन ज्वाइन द ई बुक सेक्शन थर्ड इज द लॉजिकल रीजनिंग जो कि अप्रॉक्सीमेट टेन टू इलेवन आवर्स में खत्म हो जाएगा आपका सो फॉर सो सो फ्रॉम योर लॉजिकल रीजनिंग बुक्स

इस वाले एरिया से आपको जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतने ही करने सारे टॉपिक नहीं करने का स्पीड मैथ्स काफी अच्छा होना चाहिए स्पीड मैथ्स को लेकर के सारे विडियो आपको इस सेक्शन से देखने हैं उसके बाद एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेशो प्रपोशन पार्टनरशिप मिक्सर एलिगेशन एजेस टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड वर्क बस इतना टॉपिक आपको कौन से करना है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से आपको पूरे पाई चार्ट लाइन चार्ट बार ग्राफ एंड टेबल ये सारे वीडियोस देख के खत्म करने हैं एंड डेटा के बस इतना टॉपिक आपको इस एरिया से करना है फ्रॉम द कॉन्ट सेक्शन एंड यू हैव टू प्रैक्टिस मिनिमम फिफ्टी टू ट्वेंटी क्वेश्चन फ्रॉम दी दिस एरिया कॉन्ट सेक्शन लॉजिक में सारे फिफ्टी क्वेश्चन है वो आप खत्म कर लो बहुत इजीजी क्वेश्चन है सो यू कैन प्रैक्टिस इंग्लिश में भी आपको सारे टॉपिक सॉल्व करने हैं गाइस सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं सो दिस एंटायर कोर्स गेट फिनिश विद इन फिफ्टी टू आवर्स वीडियो लेक्चर जो आपका फिफ्टी टू आवर्स के अंदर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका प्रैक्टिस पार्ट है एंड या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीप योर सेल्फ फ्रेश गाइस कीप ऑन टेकिंग टी एंड कॉफी टू कीप योर सेल्फ फ्रेश एंड टू अवॉइड हंगर एटलीस्ट अ चिप्स और एनी थिंग स्नैक्स काइंड ऑफ और एनी स्नैक्स काइंड ऑफ अ थिंग विथ यू एंड यू कैन लिसन द म्यूजिक ऑल्सो टू कीप योर सेल्फ फ्रेश ठीक है तो प्रिपरेशन के साथ आपको ये सारी चीज़ें भी कंटिन्यू करनी है सो दिस इज वॉट द प्लानिंग पार्ट विच यू हैव टू डू गाइज टेन डेज को लेकर के प्लानिंग बना लो हर सेक्शन को लेकर के हर दिन आपको टेन आवर्स प्रिपेयर करना है मल्टीप्लाई बाय टेन डेज तो हंड्रेड आवर्स की प्रिपरेशन है दैट्स इट अगर आपका कुछ सेक्शन प्रिपेयर हो गया तो नंबर ऑफ आवर्स कम लगेंगे हंड्रेड आवर्स इज मोर देन सफिशियंट टू कंप्लीट द सिलेबस एंड टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस एग्जाम गाइस सो आपकी डे वाइज स्ट्रेटजी बना लो लाइक like मॉर्निंग में आपको अगर इंग्लिश करना है देन जी के देन रीजनिंग देन डी आई लाइकवाइज आपकी स्ट्रेटजी बिल्डअप करो सेक्शन को लेकर एंड यू आर द बेटर पर्सन टू डू दिस बिकॉज यू नो आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है कौन सा सेक्शन वीक है सो अकॉर्डिंगली यू कैन स्ट्रेटेजाइज योर सेल्फ मैंने टेन डेज की प्लानिंग दे दी है बट ये प्लानिंग आपको फिल कर करनी है एंड यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंटेंटें अवॉइड ऑल काइंड ऑफ अ निगेटिव एनर्जी एंड द निगेटिव पर्सन फ्रॉम योर एंड गाइज सो फॉर नेक्स्ट टेन डेज यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड तभी जाकर आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे सो इफ यू आर डूइंग दिस मच गाइज अगर आप इतना करते हो सो बिलीव मी श्योरली यू विल बी गेटिंग योर गोल सो फॉर नेक्स्ट टेन डेज कीप इनकरेज योअर सेल्फ गाइड वर्क ऑन द डिटर्मिनेशन पार्ट एंड बी पेशेंस सो पेशंस रखो एंड डिटर्मिनेशन पे काम करो क्लियर ऑल दी कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन गाइस ऑलवेज रिमेंबर गाइज लाइट काइट विल ऑलवेज टच द स्काई सो हाउ डेस्पिनेटली यू वॉन्ट क्राइस्ट दैट इज योर विल एंड हाउ मच डेडिकेशन यू आर पुटिंग इन दैट इज योर स्किल सो इफ यू आर अपलाइंग योर विल विथ स्किल सो डेफिनेटली यू विल अचीव यूर गोल विच इज नथिंग बट द क्राइस्ट गाइज सो इज सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टेन डेज सो इफ यूर फाइटिंग दिस बैटल वेरी वेल सो डेफिनेटली यू विल विन द बैटल गाइज

likewise those who want to join for the books go to the book section and the mock series section so those who want to join christ mini course link i have already given in the description guys so please check the description for any assistant you can call on 8828581455 i am sure that next 10 days you will be giving your 100 percent and surely you will be coming up with the flying color guys all the very best for your preparation thank you